मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर है कैसे बना है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हो ये है महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी की। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ उस वाली जगह पे जाने के लिए, बट मैम की जो फोटोग्राफी है वो नेक्स्ट लेवल है। इनसाइड से इसका फ्रंट लुक है वो कुछ ऐसा है। हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रणविजय ब्लॉग्स पर। और आज के ब्लॉग में मैं बहुत ही अच्छी जगह पे आपको लेके आया हूँ। मेरे जरिए, मेरे ब्लॉग के जरिए आप लोग बहुत अच्छी जगह घूमने वाले हो। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं अभी फिलहाल हूँ हवा महल, और यहाँ पर मैं अभी 3 बजे पहुँचा हूँ, और यहाँ का जो क्लोजिंग टाइम है वो है 7 बजे का। तो अभी अपने पास में बहुत सारा टाइम है, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस जगह को, और आपको अच्छे से बताऊँगा कि ये हवा महल कब बना है, किसने बनाया है, और यहाँ की जो बिल्कुल खासियत है जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो ये भी मैं आप लोगों को इस व्लॉग के एंड तक जरूर बताऊँगा, तो आप प्लीज़ वीडियो एंड तक बने रहना। और ये मैं आ चुका हूँ इनसाइड में, और ये इनसाइड का एंट्रेंस आप देख सकते हो कितना प्यारा बना हुआ है। मैंने यहाँ पर जस्ट आते ही टिकट लिया है, और टिकट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 50 रुपीज़ का टिकट है एक। और ये थोड़ा सा इनसाइड आते ही आपको यहाँ का बिल्कुल प्रॉपर व्यू देखने को मिलेगा हवा महल का। तो भाई जैसे ही हमने एंटर किया है तो यहाँ पे सामने बिल्कुल एक सवाई प्रताप मंदिर है जो कि आप देख सकते हो। ये स्टैचू है, मूर्ति है, जो सवाई प्रताप सिंह जी है। ये वही राजा है जिन्होंने हवा महल का निर्माण किया है। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और बता देता हूँ कि जो हवा महल बना है वो 1799 में बनाया गया है सवाई प्रताप सिंह जी के जरिए। और ये यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है हवा महल का। भाई ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि जस्ट ये वाली जो जगह देख रहे हो आप, यहाँ से मैंने टिकट लिया है, और इस वाली जगह से एंटर करके, और ये वाला जो मेन गेट है यहाँ से एंटर करते हैं। इसके अंदर जो हवा महल के इनसाइड में आने का सिर्फ और सिर्फ ये एक ही गेट है, एकमात्र गेट है। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इस पूरे हवा महल में एक भी सीढ़ी बनी हुई नहीं है इनसाइड में। इस पर 5 मंजिल है, बट सब पे ओनली रैंप बना हुआ है ताकि उसी से आप ऊपर जा सकते हो। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो एक लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एक पपिट शो चल रहा है। और गाइस अभी थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ का जो पपिट शो है वो चलता रहेगा। तो अभी यहाँ की जो बाकी की कारीगरी है, बाकी की जो चीज़ें वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये खिड़कियाँ बनी हुई है, और ये खिड़कियाँ क्यों बनी हुई है, कितनी खिड़कियाँ है पूरे हवा महल में, ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो गाइज मैं हूँ अभी अप साइड में, और यहाँ से आपको हवा महल का जो ये वाला लुक है ये दिखाता हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है। और जो मैंने अभी आपको सवाई प्रताप सिंह जी की जो मूर्ति दिखाई थी, या हवा महल का जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो दिखाया था, वो वाला उस जगह पे था। और ये उसी फ्लोर पे थोड़ा सा और आगे आते हैं तो ये देखो इस टाइप का पूरा रैंप बना हुआ है। तो मैं जस्ट ऊपर आया हूँ, ये पूरा स्पेस खाली पड़ा है, और यहाँ से भी कितना प्यारा ये लुक लग रहा है भाई। ये वाला व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग है भाई, ये आप देख सकते हो ऊपर की साइड में, वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं, मतलब वहाँ तक जा सकते हैं। लास्ट जो इसकी 5वीं मंजिल है वहाँ पर भी है, उस वाले झरोकों में भी है। तब 5वें फ्लोर पे जाके आपको कम्प्लीटली साइड का व्यू, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, सब चीज़ यहाँ से दिखती है, तो वो व्यू भी आपको देखने को मिलेगा। हवा महल में कितनी टोटल खिड़कियाँ है और ये क्यों बना हुआ है ये भी मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। फ्रंट लुक तो वैसे ऑन रोड की साइड में है, जो आपने काफ़ी रील्स में या काफ़ी मूवीज़ वगैरह में भी शूट हुआ है वो देखा होगा, बट जो इनसाइड से इसका फ्रंट लुक है वो कुछ ऐसा है। तो गाइस अपने जयपुर में इतनी प्यारी प्यारी जगह है ये मुझे भी नहीं पता थी, जो नाम सुना है ओनली कि हाँ हवा महल है, जंतर मंतर है, सिटी पैलेस है, बट मैं कभी गया नहीं था घूमने के लिए। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं भी यहाँ पे हवा महल में पहली बार आया हूँ। ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है भाई, कम्प्लीटली जब आप वीडियो एंड तक देखोगे ना तो बिल्कुल दिल आ जाएगा इस जगह पर, और आपका पक्का मन करने वाला है कि आप लोग भी एक बार यहाँ पर आके विजिट ज़रूर करो। तो गाइस अभी मैं आया हूँ 4th फ्लोर पर, और ये जगह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। 1 मिनट, ये भी कुछ इस तरीके से ही बनी हुई है, क्योंकि इस वाले ब्लॉग में मैं आपको कम्प्लीटली जो बता रहा हूँ कि ये स्पेशल क्यों है,
क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जिधर भी जाओगे वहाँ पर ये छोटी 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 खिड़कियाँ देखने को मिलेगी आपको। तो गाइस अब चल रहे हैं ऊपर, तीन बार वेट करना पड़ा उसके बाद में मैं ऊपर आया हूँ, बिकॉज आप ये गैलरी देख सकते हो कितनी छोटी सी है, और यहाँ से ये प्यारा पूरा कंप्लीट जयपुर का व्यू है। और ये आज का ट्रैफिक, तो गाइस ये हवा महल का सबसे टॉप फ्लोर, तो यहाँ पर अक्सर लोग आके फोटोज क्लिक करते हैं, और इतनी सी जगह में कितने लोग भरे हुए सही है। तो गाइज यहाँ पे खड़े रहने की भी जगह नहीं है, आप देख सकते हो। मैं कब से वेट कर रहा हूँ इस वाली जगह जाने के लिए, बट फोटोग्राफी ख़त्म ही नहीं हो रही है। मैम की जो फोटोग्राफी है वो नेक्स्ट लेवल है, 10 मिनट से चल रही है, अभी भी फिनिश नहीं हुई। अभी जाऊँ मैम? थैंक यू, थैंक गॉड इन्होंने जगह दी। तो मैंने अभी केप हटा दी है, बिकॉज जैसे ही बिल्कुल सामने से सनलाइट आ रही है और केप की वजह से पूरे फेस पे यहाँ तक पूरी छाया आ रही थी, इसलिए मैंने केप हटा दी। आई थिंक ऐसे कूल लग रहा है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो खिड़कियाँ बनी हुई है इस हवा महल में, टोटल 953 खिड़कियाँ बनी हुई है, टोटल 953। और जब भी जो अभी आपने पीछे बैक साइड में रोड देखी है वो रोड, इसलिए उस रोड पे जब भी मतलब राजा महाराजाओं के उस टाइम पे झांकी निकलती थी या जो भी रॉयल फंक्शन होता था, तो हमारे राजपूतों के उस टाइम पे ये स्पर्धा थी कि कोई भी राजपूत औरत मतलब रोड पे या बाहर की साइड में नहीं जाती थी, तो उन महारानियों के लिए ये झरोके बनाए गए थे ताकि यहाँ से आराम से खड़े होके और पूरी जो झांकी निकले या जो भी रॉयल फंक्शन हो तो वो आराम से देखा जा सके। गाइज यहाँ से आप देख सकते हो ये है जंतर मंतर, और ये है सिटी पैलेस। तो गाइज ये हवा महल के 5वें फ्लोर से ऊपर से कम्प्लीटली व्यू। और शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा रश रहता है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आगे जाने के लिए जगह नहीं है। जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है ये आप खुद देख सकते हो कि यहाँ का अगर आप वेव चारों तरफ देखोगे तो पिंक कलर ही दिखेगा आपको। अंकल ये जो ये वाली रोड है, ये वाली इसको क्या बोलते हैं? ये दिल्ली रोड है। दिल्ली रोड है, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ वाली रोड, ये छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़। अच्छा यही रोड कनेक्ट होती है उससे? ओके, ये दिल्ली भी जाती है, छोटी चौपड़ भी जाती है, आराम है भी जाती। तो ये इधर से सीधे निकलते तो उधर जो जलमहल आता है वो इसी रोड पे, जलमहल इसी रोड पे। तो गाइस अभी बज चुके 5:30 और मैं हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा लेट, बिकॉज यहाँ से घर जाने में बहुत टाइम लगने वाला है। आज है धनतेरस, और धनतेरस की वजह से इतना भयंकर ट्रैफिक है ना यहाँ पे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो अभी मैं जस्ट निकलने वाला हूँ, और आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी नए हैं तो सपोर्ट जरूर करना अपने भाई का। तो इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। थैंक यू गाइस, लाइक, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।